क्रिएटिव बनने का सीधा सा मतलब है कुछ नया क्रिएट करना। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी इंसान की क्रिएटिविटी किसी दूसरे इंसान से कम या ज़्यादा नहीं होती। कोई भी इंसान क्रिएटिविटी डेवलप कर सकता है, आप भी क्रिएटिव बन सकते हो, बस आपके अंदर ये चार स्किल्स होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उन स्किल्स के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि किस वजह से हम क्रिएटिव नहीं बन पाते। सबसे पहला है स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी काम में क्रिएटिव तरीके से सोचना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस में रहने से आपके दिमाग का हिप्पोकैम्पस सिकुड़ता है और आप क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच पाते। दूसरा है टाइम। आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं लेकिन उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है, तो आप इमेजिनेटिव हो लेकिन आप क्रिएटिव नहीं हो, और क्रिएटिव बनने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। सैन डिएगो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट ने एक रिसर्च में क्रिएटिव बनने के चार स्किल्स का पता लगाया था। सबसे पहला है कैप्चर न्यू आइडियाज़। जब भी आपको अपने काम के बारे में कोई क्रिएटिव आइडिया आए तो तुरंत उसे कहीं लिख लेना चाहिए या रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अगर उस समय आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के नोटबुक में लिखो या वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करो। अगर मोबाइल भी नहीं है तो किसी कागज या नैपकिन में लिखकर अपने पास रख लो, क्योंकि दिन भर में हमारे दिमाग में हजारों आइडियाज आते हैं और बहुत कम चांस है कि जो आइडिया आपको आधे घंटे पहले आया होगा वो दोबारा आएगा। दूसरा है सीक आउट चैलेंजिंग टास्क। अपने दिमाग को कुछ ऐसे चैलेंजिंग टास्क दो जिसका या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर बहुत मुश्किल सॉल्यूशन है। ऐसा कहा जाता है कि किसी पुराने कुत्ते को नए ट्रिक्स नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन आपके दिमाग के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने दिमाग को चैलेंजिंग टास्क देकर क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, और इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टी। जिस तरह से एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसी तरह से चैलेंजिंग टास्क देने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और आप क्रिएटिव बनते हो। तीसरा है ब्रॉडन योर नॉलेज। अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आपको दो तरह की नॉलेज डेवलप करनी चाहिए। पहली है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरी है डाइवर्सिफाइड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है कि आपको किसी एक फील्ड में डीप नॉलेज होनी चाहिए, और डाइवर्सिफाइड नॉलेज का मतलब है कि आपको हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इन दोनों तरीकों से आप क्रिएटिव बन सकते हो। अब ये आपको सोचना है कि आपको किसी एक फील्ड में क्रिएटिव बनना है या आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। चौथा है सराउंड योरसेल्फ विद इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड पीपल। ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ऐसे 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उसी तरह से अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आपको क्रिएटिव लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए, ताकि आप भी क्रिएटिव तरीके से सोच पाएं और अपने काम को क्रिएटिव तरीके से कर पाएं। उस काम को आप पहले भी कर रहे थे लेकिन आप उतने क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच पा रहे थे जैसा आपको सोचना चाहिए, लेकिन खुद से ज़्यादा क्रिएटिव लोगों के साथ रहकर आप उनकी तरह क्रिएटिव तरीके से सोच पाएंगे। ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया के 74 एम्प्लॉयज़ पर एक रिसर्च किया गया था और ये पता लगा था कि जिन्होंने भी इन चार स्किल्स को डेवलप किया है उनकी क्रिएटिविटी 55% तक बढ़ गई थी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे काम के बारे में जिसको करके आप क्रिएटिव बन सकते हो। सबसे पहला है स्लीप ऑन इट। जर्मनी के कुछ रिसर्चर ने पता लगाया था कि नींद लेने से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हो। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल गणित का सवाल दिया और उसको सॉल्व करने के लिए 8 घंटे का समय दिया। 8 घंटे बाद पता लगा कि जिन स्टूडेंट्स ने ब्रेक में कुछ देर सोकर उस गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, उन स्टूडेंट्स ने उस प्रॉब्लम को ज़्यादा सिंपल तरीके से सॉल्व किया था, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता बढ़ चुकी थी। दूसरा है कोलैबोरेट इन राइटिंग। एक रिसर्च में ये पता लगा था कि जब एक ग्रुप में अपने आइडियाज़ को शेयर करने को कहा गया तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने शेयर नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने मजाक उड़ने का डर था। और जब उस ग्रुप में एक पेन और पेपर दिया गया और अपने आइडिया को लिखने के लिए कहा गया तो ये पाया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कई क्रिएटिव आइडियाज लिख दिए थे जिसके बारे में वो बोलने से डरते थे, और इसे कहते हैं ब्रेन राइटिंग। तीसरा है स्पेंड सम टाइम विद नेचर। 2013 की एक रिसर्च में ये पाया गया था कि केवल 25 मिनट तक नेचर के साथ वक्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी कई गुना तक बढ़ जाती है। चौथा है बी हैप्पी। 2004 की एक रिसर्च में ये पाया गया था कि उदास होना आपकी क्रिएटिविटी को कम करता है, और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने पहले ही बताया है कि ये कैसे होता है। दोस्तों, इन सब बातों से ये समझ में आता है कि घूमने से, नेचर के साथ वक्त बिताने से, ब्रेक लेने से, सोने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब क्रिएटिव बनने के लिए आपके दिमाग को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। हम सबको ऐसी हॉबी डेवलप करनी चाहिए जिससे हम क्रिएटिव तरीके से सोचें और क्रिएटिव तरीके से काम करें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाखों का मोटिवेशन देता है। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।